हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 23 जुलाई 2024 को ये चयन परिणाम घोषित किया गया है। जिस भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए, यहाँ पर कहा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कराई गई थी, उसमें ये चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। आपको ये देखिए 4 दिसंबर 2024 को ये जारी की गई थी विज्ञप्ति, और ये विज्ञापन जारी किया गया था 19 जनवरी 2022 को। असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के रिक्त 42 पदों का पर भर्ती होनी थी ये, जिसमें से आपके ये देखिए आपके इतने इतने पद थे। OBC में 13, EWS में 2, 4, अनुसूचित जनजाति में ये आपके महत्वपूर्ण पद थे। आप देख सकते हैं इसकी परीक्षा में आपकी संपन्न हुई थी, साक्षात्कार संपन्न हुआ था, परीक्षा तो नहीं कराई गई थी, खाली इंटरव्यू था। इसमें 13 व 14 जून को ये API आधार पर होती है भर्ती, तो ये आपके 13 और 14 जून को संपन्न हुआ। साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं, और उनके नाम जो भी सिलेक्शन हुआ है उनको जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया है, 28 अभ्यर्थियों को चयन परिणाम घोषित किया है, और एक अभ्यर्थी के लिए कह रखा है कि उसका अभी चल रहा है, उसमें उन्होंने याचिका दायर कर रखी है। तो लगभग 28 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। और बाकी देखिए कुल पद कितने थे, पद हमारे यहाँ पर कुल पद थे हमारे यहाँ पर 42 पद थे। देखिए साफ यहाँ दिया गया है 42 पद थे, और 28 पदों पर ही चयन परिणाम घोषित किया गया है, यानी कि इसमें 14 पद आपके रिक्त रह गए हैं। इसमें कहा गया है योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण, आहार्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण ये 14 पद क्या है आपके रह गए हैं भरने के लिए। देखिए इसमें इतने लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, इसमें आयोग ने और भी कुछ कहा है, देखते हैं कितने पर ये कट ऑफ गई है और कितने पर ये मेरिट बनी है, हम सबको देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए अनारक्षित के लिए कितनी गई है, अनारक्षित के लिए आपके ये 60, और उत्तराखंड महिला के लिए इसमें गई है 67.60%, उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए गई है 38, उत्तराखंड महिला अनुसूचित जाति के लिए गई है कितनी 56, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गई है 40, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड महिला 40, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 55, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 48, अनारक्षित उत्तराखंड दिव्यांगजन कितनी गई है 62.40 गई है, ये इतनी मेरिट गई है। अभी आगे देखते हैं इसमें और भी जानकारी है। इसमें कहा गया है उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 8 पद, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित 4 पद एवं दिव्यांगजन हेतु 2 पद। इस प्रकार कुल 14 पद उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अग्रणित किए जाएंगे, मतलब जो भी आगे भर्ती निकलेगी तो उनको उनमें जोड़ लिया जाएगा। उनको देखिए ये जब भी विज्ञापन जारी होगा, नया विज्ञापन जारी होगा, उनमें जोड़ लिया जाएगा योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, इसमें इतने पद खाली रह गए हैं। देखिए कितने कितने पद हैं आपके, देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित 8 पद, और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित 4 पद एवं दिव्यांगजन हेतु आरक्षित 2 पद, 1BA AOA। इस प्रकार कुल 14 पद उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अग्रणित किए जाएंगे। इसमें कहा गया है साथ ही साथ कि जो भी आपकी मेरिट बनी है उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया गया है, जितने भी आपको कट ऑफ मार्क्स जारी हैं उसमें दे दिया गया है, और इसमें इतने अभ्यर्थियों का इतने लोग चयनित हो चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें, देखते हैं इसमें कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया था। देखेंगे यहाँ पर कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया था और कितने इतने नंबर आए हैं उनके, ये सब जारी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं जाकर कि कितने कितने नंबर आपके बने हैं और कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया था। देखिए इसमें कुल टोटल लोगों ने आवेदन कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो 57 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। आवेदन तो बहुत लोगों ने किया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे उनके आधार पर 57 लोगों का शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसी के आधार पर उनका इंटरव्यू कराया गया, संस्कार कराया गया, उसी के आधार पर जितने भी नंबर मिले उनकी ये जारी कर दिए गए हैं, कितने कितने नंबर किसके आए हैं। आप जाकर आयोग की वेबसाइट पर या ये इसमें देख सकते हैं जितने भी आपके नंबर आए हैं और आपके कितने कितने मार्क्स बने हैं। API स्कोर के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसी के आधार पर आपका इंटरव्यू था 100 नंबर का, उसके आधार पर आपका ये 100 नंबर में से आपके ये नंबर जारी कर दिए गए हैं। आप इनको जाकर देख सकते हैं। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले देख लीजिए, देखिए संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परिषद हेतु बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं, तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं उन्हें बोनस अंक के रूप में अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, क्योंकि वो संविदा कर्मचारी होते हैं, उन्हें बोनस अंक दिए जाते हैं, उनका अनुभव के आधार पर 1 से 2 अंक बोनस अंक दिए जाते हैं।
दो अंक उन पर की छूट मिलती है उन्हें। ये देखिए यहाँ पर दो अंक दिए भी गए हैं और इसमें कहा गया है कि जो भी अभ्यर्थी गैर फैकल्टी में या संविदा पे हैं उनके लिए दो अंक प्रोवाइड किए गए हैं। जय हिंद।